दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। अब इसका एग्जिस्टेंस पता कैसे लगाया जाए? भाई आप कंसिडर कर लीजिए, आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, आगे पास जैसे दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा जो है समझ लीजिए Q2 है, राइट। अब दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा। अगर मान लीजिए दोनों सेम साइन के हैं तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो है Q2 पे फोर्स लगेगा इस तरफ और Q1 पे फोर्स लगेगा इस तरफ। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर मान लीजिए डिस्टेंस R है तो फोर्स का जो वैल्यू है वो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, राइट। यहां पे भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स है। अब आप ये देखेगा कि ये जो फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ Q1 एंड Q2, मतलब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए यहां पे Q2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या Q1 की वजह से यहां पे कोई चेंज है? मान लीजिए कि चेंज एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका रहने या ना रहने से इस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे Q2 अगर लगा दूं तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए था, बट फर्क आ रहा है इसकी वजह से। इसका मतलब है कि यहां पर इसकी वजह से कुछ तो बदलाव हो रहा है, राइट। और वो बदलाव का इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां पे Q2 है या नहीं है, राइट। तो वो बदलाव एक्चुअली कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से अगर मान लीजिए दो मासेस हैं, इस मास का यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड होगा, उसी तरह से दोस्त इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फाइन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज का फंक्शन होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शुड बी अ फंक्शन ऑफ ओनली दिस चार्ज, ओके, एंड शुड बी अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। कितना दूर जा रहे हैं आप उससे भी फर्क पड़ता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो इसका फंक्शन है और डिस्टेंस का भी फंक्शन है, राइट। और एक और चीज, वो जो फंक्शन है अगर चार्ज इंक्रीज करूं तो इंक्रीज होना चाहिए और डिस्टेंस अगर इंक्रीज करूं तो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी फंक्शन ले सकता हूं इन दो सिनेरियो को सेटिस्फाई करता हुआ, बट मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी है जो कि इन दो चार्जों का फंक्शन है। वो क्या है? यहां पर मैं Q2 लिख देता हूं, वो फंक्शन है फोर्स का, राइट। कूलम्स लॉ ने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, राइट। अगर मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन है तो मैं क्या इससे डिराइव कर सकता हूं एक फंक्शन जो कि सिर्फ Q1 और R का है? बिल्कुल, आप जो है फोर्स को Q2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप फोर्स को Q2 से डिवाइड कर देंगे दोस्त तो आपके पास एक फंक्शन आएगा ये, जो कि सिर्फ Q1 का फंक्शन है, राइट। तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यही फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेता हूं और इसको बोलूंगा कि ये जो है सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली Q1 एंड डिस्टेंस, ये है अफेक्ट इसकी वजह से यहां पे, ठीक है। और मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग फॉरवर्ड हम लेटर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से डिफाइन की गई है ये एक वेक्टर है। कहने का मतलब है कि फोर्स तो एक वेक्टर है डिवाइडेड बाय एक स्केलर क्वांटिटी चार्ज, तो यहां पे भी एक वेक्टर आना चाहिए। आ रही वचन में? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं एक पॉइंट चार्ज का, फाइन। अब इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो ये हैं। प्रैक्टिकली अगर आप करने जाएंगे ये चीज और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूं किस किस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट, तो मैं एक टेस्ट चार्ज लूंगा। ये Q2 एक टेस्ट चार्ज है। मुझे टेस्ट चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, मुझे तो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा पहले और फिर उसको डिवाइड बाई चार्ज करूंगा, है कि नहीं। तो मैं Q2 को Q1 के अराउंड मूव करूंगा, फोर्स निकालूंगा हर पॉइंट पे और डिवाइड बाई चार्ज कर दूंगा और उसका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज से, राइट। तो अब मैं Q2 को लेता हूं और मूव करता हूं Q1 के अराउंड, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? Q2 अगर बड़ा है तो Q1 अपनी जगह से मूव कर जाएगा
और Q1 मूव कर गया तो आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही चेंज हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है आपने मतलब एक्सपेरिमेंटली Q1 का फील्ड निकाला है. Q1 शुड बी अनचेंज, वहीं का वहीं रखा रहना चाहिए अनपर्टर्ब्ड, राइट. तो Q2 आपका बहुत छोटा होना चाहिए, तो जो टेस्ट चार्ज है इट शुड बी वेरी लेस. और अगर Q2 बड़ा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटरफेयर करने लगेगा, मतलब इसकी खुद की भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा. तो इसीलिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग Q2 को बहुत छोटा रखते हैं, राइट. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखने जाएंगे तो दिस विल मेक मोर सेंस व्हेन लिमिट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट गोज टू जीरो. इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज आप निकाल सकते हैं, राइट. तो एक्सपेरिमेंटली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ओके. तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर. अगर मुझे क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस आर, तो मैं इस तरह से निकाल लूंगा. और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज होगी. मतलब कि मैंने इस तरह से लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज वेयर लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, इस तरह से मैंने लिखा था. तो ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी. तो अगर ये चार्ज क्यू है और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां Q2 लगा हुआ है, तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज होगा भाई, राइट. लेकिन अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो गया, इस तरफ. आई वॉज समझ में. अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज नेगेटिव है दोस्त तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि Q1 तो ग्रेटर देन जीरो है. अगर मैं बोल दूं Q2 लेस देन जीरो तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को. लेकिन जब आप फोर्स को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आप नेगेटिव नंबर से डिफाइन उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. तो आपका नेट नेट अगेन इस डायरेक्शन में आ जाता है, राइट. तो अगर मैं इसको फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल फील द फोर्स, ठीक है. तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, तो आप एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उस पॉइंट पर रखिए, जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है. चलिए अब हम बनाते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. विजुलाइजेशन यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा एज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. क्लास 11th में होता क्या है कि सब चीज विजिबल होती है या सब चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं. अगर मैं एक स्प्रिंग लगा दूं या कहीं पे मास इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, तो वो सब आप जो है लाइफ लॉन्ग आपने देखे होते हैं, तो आप उसको विजुलाइज कर जाते हैं. बट क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द करंट्स, ये सब आपको दिखेगा नहीं. तो इसलिए यहां पे विजुलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है, राइट. तो चलिए अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, ओके. तो ये ले लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है. अब मुझे बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूंगा और मूव करूंगा इसके अराउंड, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं. तो मैं पॉजिटिव चार्ज अगर यहां रखूं तो किस डायरेक्शन में फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसी है रेडियली, तो ऐसे ऐसे इस पे फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड, राइट. तो जहां जहां मैं रखते जाऊंगा टेस्ट चार्ज, वहां वहां पे मेरी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऐसा होगा. तो ये मेरी फील्ड लाइन्स है इस तरह से, ये आप बना लीजिए अपने नोटबुक पे. तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. अब ये आपको दिख तो रही होंगी 2D पे, क्योंकि मैं 2D बोर्ड पे 3D तो बना नहीं सकता हूं. तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो फील्ड लाइंस है एक स्फेरिकली आउटवर्ड्स ऐसे आ रही हैं, स्फेरिकल सिमेट्री है, मतलब पूरे का आप अगर ऐसे स्फीयर कंसीडर कर लें चार्ज के अराउंड, तो ऐसे रेडियली वहां से फील्ड निकली हुई है,
आ रही समझ में? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, ठीक है, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो तो हेड से पता लग गया, राइट। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगता है उसकी लेंथ से, राइट। तो क्या आप मैग्नीट्यूड यहां पर दर्शा सकते हैं? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे से आप दूर जाते जाएंगे चेंज होती जाएगी, तो हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो आप कितने वेक्टर बनाएंगे? अगर आप बनाने जाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप यहां पे हेड्स बनाते चले जाएंगे इस तरह से, राइट। तो ऐसे खूब सारे हेड्स आपको दिखेंगे, फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि किसका हेड कौन सा टेल का है, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है दोस्त, वो लेंथ ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि वो आप रिप्रेजेंट करने में पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इससे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लेंथ, फाइन। तो भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी यहां पे जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड डिक्रीज विद डिस्टेंस, राइट। अब ऐसी कौन सी चीज है जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहां पे देख लीजिए आप, 3, 3, 6 और 2, 8, तो टोटल 8 फील्ड लाइन्स हैं, तो डिस्टेंस के साथ भी 8 ही रहेंगी। लेकिन अगर आप समझ लीजिए इतना बड़ा एरिया बनाते हैं यहां पे, अभी कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही हैं? 3। थोड़ा दूर जाएंगे तो इतना ही बड़ा एरिया बनाएंगे, कितनी पास हो रही हैं? 2। फिर आप और दूर जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही पास हो रही है, ठीक है। हालांकि यहां पे बहुत सारी फील्ड लाइन्स है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके ही समझा रहा हूं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही है, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ओके। चलिए अब मैं नेगेटिव चार्ज का फील्ड फटाफट बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, राइट। अब आप कैसे बनाएंगे फील्ड लाइन इसका? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए और मूव करिए चारों तरफ। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, और यही है फील्ड लाइन का डायरेक्शन इसका भाई, ये रहा, राइट। तो अब इसको ऐसे बना लीजिए, तो फील्ड लाइन नेगेटिव का पॉजिटिव के जैसे ही होता है लेकिन इनवर्ट्स होता है, ओके। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस बना सकते हैं, राइट। अब यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विजुलाइजेशन के लिए, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए, ऑलराइट। पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम और गोइंग इनटू द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, इजंट इट। ये हो गया, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज इज अ सोर्स ऑफ फील्ड लाइन, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एक टैप ऑफ वाटर की जैसे है, कि जैसे मैंने टैप खोल दिया खूब सारा पानी निकल आता है, उसी तरह से अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो खूब सारी लाइंस ऑटोमेटिकली उसमें से आने लगती है अंदर से, राइट। तो वो एक सोर्स कैसे बिहेव करता है। थर्ड,
negative charge is a sink of field line. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब वो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन उसके अंदर जाएंगी, राइट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फोर्थ, जो फील्ड लाइन होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं फ्री स्पेस पे। मैंने कहने का मतलब है कि अगर ऐसे एक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये जाती रहेगी इंफिनिटी तक, ओके। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे तो ये हो सकता है खत्म हो जाए, इसके बाद ये कहीं नहीं जा रही। बट अगर चार्ज नहीं है रास्ते में, कहीं फ्री स्पेस है, तो ये बस जाती रहेगी, कंटिन्यूअस लाइन होगी, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा, ओके। ब्रेक अगर आएगा इसका मतलब है वहां पे कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, ओके। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन फ्री स्पेस, लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट, फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई फील्ड लाइंस पॉइंट पी पे, ओके। अब अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रख दू, पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब भाई अगर मैं यहां रख दू टेस्ट चार्ज, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो गई फोर्स की, एक तो अलोंग दिस लाइन और दूसरा अलोंग दैट लाइन, तो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकता है वो, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ, फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस कैन नॉट फॉर्म लूप्स, मतलब एक कंप्लीट ऐसा क्लोज लूप नहीं बना सकता है अगर वो फील्ड लाइन चार्ज की वजह से है, राइट। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। और ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं यहां पर, यह इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ओके। तो ये हो गए इसके छह पॉइंट, और भी एक दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस बना लेता हूं लिखने के लिए, ओके। पॉइंट नंबर सेवन, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज डेंसिटी ऑफ इट, मतलब कि फील्ड लाइंस अगर बहुत पास पास है एक दूसरे के, कहने का मतलब है अगर ये है समझ लीजिए एक फील्ड लाइन, ये दूसरी फील्ड लाइंस है, ये हो गई तीसरी फील्ड लाइन, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहां पे बहुत कम है, और फिर यहां पे मीडियम है, ओके। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं डेंसिटी से कि स्ट्रेंथ कितनी है, ओके। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानने जा रहे हैं। समझ लीजिए आपके पास एक चार्ज है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, और इसके पास से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लीजिए चार लाइन निकली इसके इस तरह से, और आपने एक क्लोज लूप बना लिया इसके अराउंड इस तरह से, ये आपका एक क्लोज लूप है। तो कितनी फील्ड लाइंस इसके आर पार निकलेंगी? चार निकलेंगी, जितनी निकली है यहां से, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप को कट अक्रॉस करेंगी, वो प्रोपोर्शनल है कितना चार्ज इसके अंदर है। ऑफ कोर्स जितनी भी निकलेंगी सब के सब बाहर आ जाएंगी, तो वो तो प्रोपोर्शनल है ही चार्ज के, इजंट इट। अब अगर मान लीजिए एक चार्ज यहां भी रखा हुआ है, यह समझ लीजिए Q1 है, राइट, इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी, इजंट इट। तो इसकी फील्ड लाइन समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से निकलती है,
ऐसे निकल गई फील्ड लाइन, एक निकली यहां से दूसरी चली जाएगी, मतलब थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। तो इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस निकल गई। अब मेरे को ये बताइए कि नेट नेट कितना जो है इस चार्ज से फर्क पड़ रहा है कि कितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप से बाहर आ रही हैं। आप देखिएगा कि जो दो फील्ड लाइंस हैं, ये दो इस चार्ज की वजह से हैं, अंदर आई और फिर बाहर चली गई। क्यों बाहर चली गई? ये तो भाई इंफिनिटी तक ट्रेवल करती रहेंगी, तो लूप के तो बाहर इनको आना ही आना है, ठीक है। तो इससे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि कितना चार्ज बाहर है, बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि लूप के अंदर कितना चार्ज है। तो जो भी चार लाइंस आ रही हैं वो सिर्फ इसी की हैं, राइट। तो बाहर निकल रही हैं, दो लाइन जो आ रही है इसकी वजह से अंदर, अंदर आ तो रही हैं लेकिन दोनों को दोनों बाहर निकल जा रही हैं। तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्लोज लूप है उसमें जितनी फील्ड लाइन बाहर आएंगी प्रोपोर्शनल होंगी कितना चार्ज उस लूप के अंदर है, राइट। हम यहां पर एक और सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लूप है, ठीक है। इस लूप के अंदर एक चार्ज आपने क्यू रखा, ठीक है, यहां पे आपने माइनस टू क्यू रखा और यहां पर समझ लीजिए आपने क्यू बाई टू रख दिया, राइट। अब अगर इसके पास से चार लाइंस निकल रही हैं, इस तरह से चार फील्ड लाइंस निकली, राइट, तो माइनस टू क्यू से कितनी फील्ड लाइन आएंगी? माइनस टू क्यू अपने ऊपर आठ फील्ड लाइंस लेके आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल हैं किस चीज के, कितना बड़ा चार्ज है, और ये नेगेटिव है तो फील्ड लाइन जो है ये अट्रैक्ट करेगा, तो टोटल आठ फील्ड लाइन अपनी तरफ खींचेगा। तो मेरे पास यहां पे आठ फील्ड लाइन माइनस टू क्यू की वजह से हो गई और क्यू जो है चार फील्ड लाइन बाहर फेंकेगा, और क्यू बाई टू कितनी फील्ड लाइन बाहर फेंकेगा? ये सिर्फ दो फेंकेगा, एक और दो। अब आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है, इसकी चार है, इसकी आठ है, लेकिन ये माइनस एट है क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ नेट नेट कितना गया? चार प्लस दो छह माइनस आठ, तो सिर्फ कितना गया? माइनस टू बाहर गया, मतलब दो अंदर आया। तो किस चीज के प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है माइनस क्यू बाई टू के, राइट। तो क्यू बाई टू दो दे रहा है, माइनस क्यू बाई टू दो अंदर लेगा, तो माइनस क्यू बाई टू कैसे आएगा? माइनस टू क्यू प्लस क्यू इज माइनस क्यू, एंड माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू इज माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहां पे एक एस्टिमेशन लगा सकता हूं कि क्लोज लूप के अंदर कितना नेट चार्ज है, ठीक है। इस चीज को हम फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे जब हम गॉस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बस हम इसको एक क्वालिटेटिवली हम लोग लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड लूप इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत ही फॉर्मल तरीके से फील्ड लाइन की स्टडी कर ली है, और ये फील्ड लाइन हमने सिर्फ चार्ज के बारे में एक पॉइंट चार्ज लेके उसकी स्टडी की है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा सिनेरियो को और यहां पे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन जो है अपोजिट है, राइट। और मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर यह है कि आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है। आप ट्राई करिए इसको, मैं यहां पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर देता हूं, राइट। अब मुझे अगर इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं जहां पे सिमेट्रिकल लाइंस या सिमेट्रिकल पॉइंट्स है उसका मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए तो सही रहेगा, राइट। तो मैं यहां से पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ज्वाइन करता हूं, यहां आएगा, राइट। अब ये देखिए आप इस लाइन पे अगर मान लीजिए इसकी वजह से फील्ड है तो किस डायरेक्शन में होगी? बाहर की तरफ ऐसे होगी, राइट। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड ऐसी होगी, राइट। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और क्योंकि ये लाइन सिमेट्रिकल है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा,
राइट। तो अगर मैं इसको बोल दूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अलोंग वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसल आउट हो जा रही है, राइट। कहने का मतलब इसका कंपोनेंट यहां पे और इसका कंपोनेंट यहां पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट नेट जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी दोस्त। ये अगर ई है और ये भी अगर ई है, इसको अगर आप थीटा बोल दिए तो ये हो जाएगा 2e साइन थीटा, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हॉरिजॉन्टल आ रही है, राइट। इसी तरह से कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पे, हमेशा फील्ड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगी, राइट। तो अगर कोई फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और उस तरफ जा रही है तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टली कट करना है उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक तरह से क्रिटिकल सिचुएशन हमने एनालाइज कर ली है। और एक और चीज, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बहुत क्लोज हूं तो इसका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, जैसे आइसोलेटेड रखा हुआ है, राइट। तो जब निकलेंगी फील्ड लाइंस उनको पता नहीं होगा कि यहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। और सिमिलरली जब ये अपने फील्ड लाइंस इनसाइड आ रही होंगी इसमें, तब भी वो सिमेट्रिकली ऐसे आएंगी अगर बहुत पास में है चार्ज के, बिकॉज तब इसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा, इसका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इसके और इसके, दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, राइट। अब होगा क्या कि ये जो फील्ड लाइन निकली है इसको जाना है इन्फिनिटी, या तो नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, राइट। अगर इसको नेगेटिव चार्ज में एंड होना है, नेगेटिव चार्ज ये रहा, तो इसको यहां से यहां जाना है, तो कैसे जाएगा, इस लाइन को उसको हॉरिजॉन्टली कट करना पड़ेगा अगर जाना है तो। तो इसीलिए ये लाइन ऐसे आती है, ये बेंड होती है और फिर इधर एंड होती है इस तरह से। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बना सकता हूं। ओके, और ये लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, राइट। दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है, अगर एक का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन यहां पर ज्यादा होंगी, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ये ज्यादा चार्ज है, लेकिन अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस होगी इस तरह से, ओके? अब मैं एक ऐसी सिचुएशन लेता हूं जिसमें टू चार्जेस हैं जो कि सेम साइन के हैं, राइट। मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, अगर दोनों नेगेटिव लूंगा तो भी सिमिलर लुकिंग फील्ड ही होगी, लेकिन बस एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, राइट। अगेन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए इस तरह से, आप ये पाएंगे अगर इसको Q और Q ले लें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पर जाएगी ऐसे, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरह से जाएगी, ओके। तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, ये X है, ये Y है, along x axis net electric field zero हो जा रही है, क्योंकि इसका component horizontal इसके horizontal component को cancel कर देगा, लेकिन vertical component जो है दोनों का add होगा, right? तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां से field line आ रही है और इस line को उसको reach करना है तो वो इसको parallelly reach करेगी। कहने का मतलब ये line एक तरह से asymptote हो जाती है field line के लिए, okay? तो चलिए अब हम draw करते हैं। ये जब फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी तो एज इफ सिंगल चार्ज है, फिर इसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसे हो जाएंगी, ये रहा डायरेक्शन फील्ड लाइन का, राइट। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फील्ड लाइंस होंगी, ओके? तो ये हो गई फील्ड लाइन टू पॉजिटिव चार्जेस अगर रखे हुए इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बस जो एरो का डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगा, बट लुके दिखेगा ऐसे ही, ओके? अब सिनेरियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। समझ लीजिए आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर में आपने चार चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं,
यहां पे ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है, ठीक है। अब इसका आप ट्राई करिए बनाने के लिए। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई नॉट इस तरह की चीजें बना ली जाए पहले से, इस इन सब लाइंस के अक्रॉस अगर मुझे डायरेक्शन पता लग जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, ये लाइन तो एसिम्प्टोट होगी इन दोनों के लिए भी और इन दोनों के लिए भी, तो फील्ड लाइन अगर यहां से निकलेंगी तो इसका एसिम्प्टोट होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अक्रॉस भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए इन दोनों की वजह से एसिम्प्टोट होनी चाहिए, तो ये भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है, सारे एसिम्प्टोट है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। फाइन, इस तरह से फील्ड लाइंस इसकी होंगी और बाकी सबकी भी। ऑलराइट, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप ये समझ लीजिए ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब इसको ट्राई करिए बनाने का फील्ड लाइन। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं फील्ड लाइंस के कैसी दिखेंगी, क्या उसका ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज होगा, राइट। अब हम क्वांटिटेटिवली असेस करते हैं, मतलब कि मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता करनी है, सिर्फ डायरेक्शन देख के ज्योमेट्री देख के सवाल हल नहीं होते हैं, राइट। तो मुझे ये मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, और मुझे ये चीज यूज करनी है। तो समझ लीजिए कि आपके पास ये सिनारियो है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके। और आपको निकालना है फील्ड अलोंग दिस लाइन, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको इसके अक्रॉस फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेंटर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन जान लीजिए, इसको मैं ले लेता हूं, ये डिस्टेंस मेरा ए है सेंटर से और ये डिस्टेंस भी मेरा ए है, ओके। अगर यहां डायरेक्शन की बात करें तो पहले ये लाइन ज्वाइन कर दूं, राइट, तो अलोंग दिस लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, है कि नहीं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। आई वाज वन में, अब जो है अगर इसके कंपोनेंट लिए जाएं और ये मैं बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस नेट फील्ड विल बी जीरो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, तो एक्स एक्सिस नेट नेट जीरो हो जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुज वैल्यू इज टू टाइम्स ऑफ ईदर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, लेट्स से ई क्यू साइन थीटा, ओके। अब ई क्यू है कितना, ये r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गई डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एज इन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस है पॉइंट p का, चार्ज से जो डिस्टेंस है वो मैटर करेगा, राइट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये, राइट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू टाइम्स ऑफ दिस इनटू साइन ऑफ थीटा, ओके। तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करके इनटू साइन थीटा लिख देता हूं, तो ये मेरी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 2k q r square plus a square, sin theta की वैल्यू क्या है, ये थीटा है, sin theta हो जाएगा a divided by root over r square plus a square, right? इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2k q a
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ओके, अगर मैं आर को बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2qka डिवाइडेड बाय आर क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं जानने की कोशिश करूं प्लस क्यू और माइनस क्यू का साथ में। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और माइनस क्यू जो कि एक टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, राइट। अब सिचुएशन यहां पर ये है, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विच इज 2a। ये सिनेरियो बहुत ही कॉमन है नेचर में, आपको आइसोलेटेड चार्जेस नहीं मिलेंगे लेकिन इस तरह का सिनेरियो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल एक ऐसा केस है जिसमें H पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे स्मॉल नेगेटिव है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द बॉन्ड लेंथ, राइट। इस तरह के ढेरों सिनेरियो हैं, ऑलमोस्ट एवरी पोलर मॉलिक्यूल हैज सम सिचुएशन लाइक दिस। उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू जहां भी आप उसका अफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, राइट। इसलिए अगर हम इसको उस सिनेरियो के बारे में अगर इसको ढालें तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज वेरी लेस देन आर, मतलब कि ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये लाइक बॉन्ड लेंथ है और ये आर उससे बहुत दूर है, तो मैं ए बाई आर को इग्नोर कर सकता हूं, राइट। देन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के टाइम्स 2aq डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे जो है यहां पे सिंस ये जो सिनेरियो है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, सिनेरियो बहुत ही कॉमन है, तो इस सिनेरियो को मैं एक नाम दे देता हूं, राइट। इस सिनेरियो का नाम है कि इसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, राइट। अगर इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं तो मुझे इसको एक डेफिनेशन देना होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मुझे इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई कैसे करूंगा, क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, चार्ज, एक चार्ज स्पेसिफाई कर दिया तो दूसरा तो नेगेटिव चार्ज होना ही है सेम मैग्नीट्यूड का, राइट। और क्या है दोनों के बीच डिटेल, डिस्टेंस है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस मैं बोल देता हूं डाइपोल मोमेंट है, राइट। तो उस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिफाइन कर लेते हैं। और एक और चीज, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट को भी एज अ वेक्टर डिफाइन करना ठीक रहेगा, राइट। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो इस तरह से लेते हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। तो चलिए अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं। ये 2a into q क्या है, 2a into q जो है डाइपोल मोमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। और इसको हम लोग इस तरह से फिर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, राइट। और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने जाइएगा तो क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p वेक्टर, माइनस k p वेक्टर बाय r क्यूब, इजंट इट। क्योंकि p वेक्टर तो ऐसा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है उसके एग्जैक्टली अपोजिट, तो माइनस p लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अलोंग दिस लाइन, और इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑलराइट। चले अब इक्वेटोरियल प्लेन में तो निकाल लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग एक्सियल फील्ड भी निकाल लेते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, क्यू और माइनस क्यू ऐसे रखे हुए हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो आप
इस पॉइंट पे जान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कहां पर है. माइनस क्यू की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में है, राइट. ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है. और यहां पे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, राइट. किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? माइनस क्यू की ज्यादा है स्ट्रेंथ, बिकॉज ये माइनस क्यू के ज्यादा पास में है, राइट. तो हम लोग चलो नेट फील्ड लिख लेते हैं. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर. कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस तो ए है, राइट, और ये डिस्टेंस भी ए है. तो इस तरह से हम लोग इसको r माइनस ए लिख सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इसका और इस पॉइंट का r माइनस ए ही तो है. माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस ए होल स्क्वायर, राइट. ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट. अब अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये कुछ इस तरह की रूप ले लेगा. फोर ए क्यू, यहां पे टू ए आर आएगा, यहां पे माइनस टू ए आर आएगा. सो ये फोर ए आर हो जाएगा यहां पे डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4 अगर मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट. ये हो गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और एक r यहां से कैंसिल हो जा रहा है इस तरह से, ये r क्यूब हो गया. अब तो अगर यहां पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं कि ये समझ लीजिए डाइपोल है, तो क्या होगा, a जो है बहुत छोटा हो जाएगा आर के कंपैरिजन में. तो इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू बाई के क्यू इंटू फोर ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट. ए बाई आर जो है क्लोज टू जीरो हो गया, तो ये चीज जो है जीरो हो जाएगी, ऑलराइट. तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है. वेक्टर मेरे पास अवेलेबल है डाइपोल मोमेंट का पी. पी जो है ऐसे जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऑलराइट. अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नेट नेट कहां है, इस तरफ. तो ये डाइपोल मोमेंट की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं यहां पे जाता हूं तो किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फेंकेगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ लेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो यहां पे भी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलराइट. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखूं इन अ वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसको के इंटू टू पी बाई आर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है. तो इस तरह से हमने डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिए इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे, राइट. ये हमारी जानकारी में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे डबल होती है इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ऑलराइट. तो इस तरह से हमने डिराइव कर लिया है. और ये आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखा है. क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली मेरे दोस्त चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बट डाइपोल मोमेंट आराम से निकाला सकता है. देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट HCl मॉलिक्यूल अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो वहां से मैं जो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसके रिस्पेक्ट में मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं. तो मतलब कि क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका निकालना क्यू निकालने के से ज्यादा आसान है, ठीक है. तो इसलिए मेरा पी के टर्म में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा सेंस रखता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पी जो है इजिली निकल आता है, ऑलराइट. दोस्तों तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है चार्ज की, और हमने डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और ये समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, राइट. अब सिर्फ पॉइंट चार्ज और डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करते नहीं है, ऐसे बहुत सारे दूसरे सिनारियो भी हैं जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, या तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब सिनारियो का निकाल सकें, ओके. तो पहला सिनारियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सिनारियो नंबर वन इज सर्कुलर चार्ज
चार्ज। कहने का मतलब यह है कि समझ लीजिए आपके पास एक सर्कुलर चार्ज है इस तरह से, जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, राइट। मतलब कि लैम्डा जो है क्यू कूलम्स पर यूनिट मीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ लैम्डा आपका गिवन है। इस लैम्डा को मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास उस लेंथ का चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना है इसमें, लैम्डा इंटू 2πr, ये इसका टोटल चार्ज है। अब मुझे निकालना है कि फील्ड कितनी है सेंटर पे, राइट। फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसको दो भागों में ऐसे बांट लीजिए, ओके। आप मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिए, यहां पे इसका लेंथ ds है समझ लीजिए। छोटा सा चार्ज क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ही पॉइंट चार्ज का है, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सर्कल का, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये फॉर्मूला सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का है, क्यू शुड बी अ पॉइंट चार्ज। तो मुझे ये पूरा सर्कल जो है एक मतलब छोटे 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 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, इस तरह से करना होगा और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी सबका एड करके, ओके। तो ये छोटा सा चार्ज मैंने लिया, इसको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में अवे, राइट। और अगर मैं देखूं इसके यहां पे अगर एक चार्ज, यह एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ds इसकी लेंथ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां पे ये दोनों का कंपोनेंट सेम होगा तो कैंसिल हो गया हॉरिजॉन्टली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से डाउनवर्ड होगा। आ रही है समझ में। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं यहां पर ऐसे दो पॉइंट होंगे इस तरह से जिनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो नेट नेट जो है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज जीरो, ओके। नेक्स्ट सिनेरियो लिख लीजिए, सेमी सर्कुलर चार्ज। अब ये रहा आपका सेमी सर्कुलर चार्ज, मुझे सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है, राइट। अगर मान लेते हैं कि ये ds जो लेंथ है इस तरह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, इसको मान लीजिए ये थीटा है, ओके। रेडियस जो है r है, ओके। जैसे कि हमने पहले की भी किया था, यहां पर एक और एलिमेंट आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ये एंगल थीटा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसको मान लीजिए DE है, DS की वजह से DE अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी DE 2DE साइन थीटा, फाइन। तो मैंने क्या किया, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों को एड कर दिया, वर्टिकली आ गई 2DE साइन थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, मैं वेक्टर्स को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता हूं, मुझे जो है इसको स्केलर क्वांटिटी बनाना है, इसीलिए मैंने वेक्टर्स का कंपोनेंट ले लिया। एक बार मैंने कंपोनेंट ले लिया तो वेक्टर बन गया स्केलर, और स्केलर एडिशन इज इंटीग्रेशन, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स आएगी और वो होगी 2 times ऑफ DE साइन थीटा, ओके। तो ये हो गया के, ये dq कितना है, ये जो स्मॉल चार्ज ds में है वो हो गया लैम्डा इंटू ds। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा को मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा स्मॉल चार्ज dq आ जाएगा। सो के लैम्डा इंटू ds डिवाइडेड बाई r स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गई मेरी DE नेट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आ रही बात समझ में। अब यहां पे क्या है, दो वेरिएबल है S और थीटा, तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, तो मुझे S को या तो थीटा के टर्म में लिखना है या थीटा को मुझे S के टर्म में लिखना है, तभी एक सिंगल वेरिएबल रहेगा और उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो अभी देखिएगा
कि जो थीटा है ऐसे इंक्रीज करता चला जाता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये डी थीटा है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल मैं ये बोल सकता हूं कि जो डीएस है वो आर डी थीटा के बराबर है, राइट। तो मैं वहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डीई नेट जो है 2k लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया, फाइन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो k कॉन्स्टेंट है, लेमडा 2 और आर स्क्वायर ये सब कॉन्स्टेंट है, एक आर यहां से काट देते हैं, तो आ जाएगा मेरा 2k लेमडा बाई आर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, राइट। और थीटा की लिमिट्स क्या है, थीटा आपको लगेगा कि 0 टू 180 है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दो पार्टिकल एक साथ ले रहे हैं, तभी तो आपने यहां पे 2 टाइम्स लिखा है, ओके? अगर आप एक लेते, सिर्फ एक लेते तो आप 0 टू पाई इंटीग्रेट करते, लेकिन आप दोनों साथ में ले रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 2। जब 0 टू पाई बाई 2 करेंगे तो इस तरफ वाले ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ओके? तो यहां पे लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 2। तो आप पाइएगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 2k लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका नेट नेट 2k लैम्डा बाई आर, राइट। कॉस पाई बाई 2 जीरो है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 विच इज 1। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आपकी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगी, राइट। तो मैंने यहां पर डिराइव कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज डेंसिटी, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लाइन चार्ज का, लाइन चार्ज का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए आपके पास एक फाइनाइट वायर है इस तरह से, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा गिवन है, ओके? और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इस पॉइंट पे, जो कि एट अ डिस्टेंस डी पे है, फाइन। और ये जो पॉइंट पी है, ये दोनों एंड से एंगल थीटा वन और थीटा टू बना रहा है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, फाइन। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, अगेन आप जो है इधर पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस तरह से, राइट। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको पता ही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर आपको डिस्टेंस वगैरह पता लग जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो इसको मैं डी थीटा बोल देता हूं, फाइन। और ये जो है इसको मैं थीटा बोल देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से, ये होगी डी ई, फाइन। अब ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो बिना मतलब मैं नीचे एक और पॉइंट लेने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है यहां पे, कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लूंगा और उसको किसी तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि लिमिट जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा वन और थीटा टू रखना बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि थीटा वन और थीटा टू डायरेक्टली मुझे गिवन है, ऑलराइट। तो मैं वही ट्राई करूंगा। सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, समझ लीजिए डी वाई है, कितना हो जाएगा। सबसे पहले मैं डी क्यू लिख लेता हूं, डी क्यू इज लैम्डा इंटू डी वाई, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हो जाएगी डी ई, हो जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गई मेरी डी ई, राइट। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है, सारे डी ई का। यहां पर ले लूंगा तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन आएगा, यहां ले लूंगा तो कुछ उस तरह से डायरेक्शन आएगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके अभी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे कंपोनेंट लेना होगा और एक डायरेक्शन में सारे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट लेने के लिए मैं यहां पर x और y एक्सिस ले लेता हूं, x और y, ठीक है। तो DE का मैं x कंपोनेंट ले लेता हूं, DEX, राइट।
इसको मैं लिख सकता हूं के लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वायर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से डी एक्स हो जाएगा और डी ई वाई कितना हो जाएगा, के लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। आ रही है समझ में? तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, कौन कौन से, वाई है, थीटा है और आर है, मुझे जो है इसको रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल करना है, ओके। तो वो करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका वाई है, ठीक है, ये अगर वाई है तो वाई क्या होगा, वाई होगा डी टेन थीटा, है कि नहीं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी वाई बाई डी थीटा तो आएगा मेरे पास डी सेक स्क्वायर थीटा, दिस विल गिव मी डी वाई एज डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो मैंने डी वाई निकाल लिया भाई थीटा के टर्म में, अब मुझे आर निकालना है थीटा के टर्म में, तो आर तो भाई डी इंटू सेक थीटा है ही, ठीक है, तो मैंने एक कॉन्स्टेंट डी और थीटा के टर्म में सब कुछ निकाल लिया है, डी वाई आ गया मेरा और आर आ गया, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके डी एक्स में डाल देता हूं और फिर इंटीग्रेट कर देता हूं, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट डी ई एक्स विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी वाई इज डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, राइट। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा मैं कैंसिल कर देता हूं, एक डी यहां से चला गया तो डी ई एक्स हो जाएगा मेरा के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये डी ई एक्स है और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स विल बी के लैम्डा बाई डी इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, फाइन। अब यहां पे जो लिमिट है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि क्या लिमिट थीटा वन टू थीटा टू होगी, अगर लिमिट थीटा वन टू थीटा टू होगी तो इस सिनेरियो से कैसे अलग है, मान लीजिए ये थीटा वन है और ये थीटा टू है और यही एंगल नीचे बन रहा है थीटा वन, तो कैसे डिफरेंट हुआ सिनेरियो, इसीलिए यहां पर जब आप लिमिट लेंगे तो आप जाएंगे माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, ओके। तो ई एक्स विल बी व्हाट, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, सो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा लिमिट गोस फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, जो आप लिमिट डालेंगे इसमें तो आ जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, ये आ जाएगा आपका ई एक्स, फाइन। अब ये ई एक्स है तो ई वाई कितना होगा, ई वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, के लैम्डा डी वाई बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा की बजाय साइन थीटा आ जाएगा यहां पे और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहां तक तो सब कुछ सेम है, मतलब कि अगर मैं कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिख साइन थीटा लिख दूं तो मेरा ई वाई जो है के लैम्डा बाई डी इंटीग्रल ऑफ माइ इंटीग्रल गोस फ्रॉम माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई डी इंटीग्रल साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा में जब आप ये लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये आपका ई वाई आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने EX निकाल लिया है और वैल्यू ऑफ EY निकाल लिया है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर. फाइन, तो ये हमने डिराइव किया है एक फाइनाइट लेंथ वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके दो एंड थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रहे हैं. ऑलराइट, ये आप बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं जेई एडवांस में. ऑलराइट, और एक और चीज, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ है तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इनफाइनाइट लेंथ है मेरे दोस्त तो थीटा वन शुड बी व्हाट? जैसे जैसे मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊंगा थीटा वन बढ़ता चलाएगा. अगर इनफाइनाइट है तो थीटा वन क्या होगा? पाई बाई टू, और थीटा टू वो भी पाई बाई टू, तो दोनों पाई बाई टू हो जाएंगे. तो अगर दोनों पाई बाई टू हो जाएंगे तो ई वाई तो जीरो हो गया, ठीक है, और ई एक्स जो होगा वो टू के लेमडा बाई डी हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट वायर आप लिख लीजिए, फॉर इनफाइनाइट वायर ई वाई इज जीरो एंड ई एक्स इज टू के लेमडा बाई डी. फाइन, और अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि समझ लीजिए सिनारियो इस तरह से है कि वायर ऐसी है और आपको यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? तो थीटा वन जीरो हो गया और थीटा टू पाई बाई टू हो गया क्योंकि दिस वायर विल कीप ऑन गोइंग अप. राइट, तो सेमी इनफाइनाइट में थीटा वन जीरो, थीटा टू पाई बाई टू, तो यहां पर आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको ई एक्स और ई वाई आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज निकाल सकते हैं. ओके,